हाय स्टूडेंट, मैं ओम प्रकाश कुमावत। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका हर बार की तरह फिर से स्वागत करता हूँ। हम आज का टॉपिक ले रहे हैं नया, जिसका नाम है अवकलन, डिफरेंशिएशन। आज का टॉपिक है जिसका नाम क्या है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या है, किस तरीके से इसको करते हैं? डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि किसी एक चर में किसी दूसरे चर के सापेक्ष परिवर्तन की दर। जैसे मान लीजिए y कोई एक चर है और x कोई दूसरा चर है, तो y में x के सापेक्ष जो परिवर्तन की दर है वो अवकलज कहलाता है, और y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर को हम dy by dx बोल सकते हैं। ये है y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। क्या है? y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। ये बात आप इस तरीके से और समझ सकते हो। मान लीजिए y बराबर fx कोई फंक्शन है, y बराबर fx कोई फंक्शन है, तो मैंने क्या किया, x में थोड़ी सी वृद्धि कर दी डेल्टा x की। किसकी? डेल्टा x की थोड़ी सी वृद्धि कर दी। तो जब मैं x में डेल्टा x की वृद्धि करूंगा तो स्वाभाविक है कि y में भी कुछ ना कुछ वृद्धि जरूर होगी। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि y प्लस डेल y इक्वल्स टू f x प्लस डेल x, इस तरीके से। क्योंकि x में मैंने डेल x की वृद्धि की है तो y में भी फिर डेल y की वृद्धि होगी, सीधी सी बात यह है। अब आप यहां पर देख सकते हो कि y की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, एफ एक्स पुट कर सकता हूं। तो यहां पर हो गया एफ एक्स प्लस डेल वाई, एफ एक्स प्लस डेल वाई, सॉरी इसको डेल्टा बोलते हैं, एफ एक्स प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ओके, अब यहां से सॉल्व करके मैं यदि डेल्टा वाई की वैल्यू निकालू तो डेल्टा वाई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। अब दोनों पक्षों में मैं डेल्टा एक्स का डिवाइड कर रहा हूं तो ये हो जाएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। और फिर दोनों पक्षों में लिमिट लगा रहा हूं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। ये जो डेल्टा एक्स है ये किसकी तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है। डेल वाई अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू, इधर भी यही लगा देंगे लिमिट, तो लिमिट एक्स सॉरी डेल्टा एक्स इक्वल टू जीरो, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। अब ये जो हमारे पास में वैल्यू आई है इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, dy by dx। क्या बोलते हैं? dy by dx। और ये सेम उसी तरीके से है जैसे कल मैंने आपको RHD और LHD बताया था, उस तरीके से। जैसा कि आप जानते हो RHD क्या होता है, दायां अवकलज जिसको हम बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंस टू जीरो f a प्लस h माइनस f a अपॉन h, यही होता है। यहां पर जो h है वो भी एक बहुत छोटी पॉजिटिव संख्या है, सेम इसी तरीके से। देखो इसमें और इसमें क्या अंतर है, यहां पर h है और यहां पर डेल्टा x है, तो h टेंस टू जीरो है तो यहां पर डेल्टा x टेंस टू जीरो है, और यहां पर जो a है उसकी जगह क्या आ गया, x आ गया। तो इसको हम क्या बोल सकते थे, f डैश a बोल सकते थे, f डैश a, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से इसको क्या बोल सकते हैं, f डैश x बोल सकते हैं, क्योंकि यहां पर एक की जगह क्या आ गया, एक्स आ गया। तो यदि कोई फंक्शन किसी बिंदु पर अवकलनीय है या सर्वत्र अवकलनीय है तो उस कंडीशन में हम उसका क्या निकाल सकते हैं, dy by dx निकाल सकते हैं, मतलब हम उसका अवकलन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपसे कोई पूछ ले कि अवकलन होता क्या है तो आप ऐसे बताओगे कि किसी एक चर में किसी दूसरे चर के सापेक्ष परिवर्तन की जो दर है उसको हम क्या बोलते हैं, अवकलन बोलते हैं, ठीक है। और dy by dx को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, जिसका फॉर्मूला ये बन जाएगा। जिस तरीके से RHD होता है सेम इसी तरीके से ये होता है, ठीक है।
तो मेरे हिसाब से आपके बात समझ में आ गई होगी। तो मैंने आपको क्या बताया इसमें, मैंने आपको बताया कि जो dy बाई dx है, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। इसको आगे और किस तरीके से लिख सकते हैं, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन एच, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पर जो डी बाई डी एक्स है इसको हम बोलते हैं अवकल गुणांक। डी बाई डी एक्स को क्या बोलते हैं, अवकल गुणांक, क्योंकि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं डी बाई डी एक्स, और यहां पर वाई अलग से ले लिया, वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन। तो यहां पर जो डी बाई डी एक्स है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अवकल गुणांक। ठीक है, अवकल गुणांक बोलते हैं इसको। अब यहां पर इसके और भी तरीके हैं इसको डिनोट करने के, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, भाई वाई का हमने एक्स के रेस्पेक्ट में एक बार अवकलन किया है तो इसको हम y1 लिख सकते हैं, y डैश भी लिख सकते हैं, ठीक है, और कैपिटल डी वाई भी लिख सकते हैं। यहां पर कैपिटल डी का मतलब यह है, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। यदि आपको कहीं पर y1 दिख रहा है, इसका मतलब यह होगा कि y का x के रेस्पेक्ट में एक बार अवकलन किया गया, y डैश है तो इसका मतलब भी वही होता है, और कैपिटल डी वाई है तो इसका मतलब भी यही होता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आप आसानी से समझ सकते हैं कि अवकलन का मतलब क्या होता है। अवकलन का सीधा सा मतलब यह होता है कि किसी एक चर में, किसी एक वेरिएबल में, किसी दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में जो परिवर्तन की दर है उसको हम क्या बोलते हैं, अवकलन बोलते हैं। ठीक है, अब काम की बात शुरू करते हैं। तो क्या फिर ये काम की बात नहीं थी, ये भी काम की बात है, लेकिन पूछता कोई नहीं है भाई। गलती से कोई छोटी एग्जाम हो तो उसमें ऑप्शन वाला क्वेश्चन बन सकता है कि dy by dx इक्वल टू क्या होता है, तो डेल्टा x टेंस टू जीरो, वो उस तरीके से आपको बताना है, ऑप्शन में कहीं पे मिल जाएगा। अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो शुरू होती है फॉर्मूले से। तो कुछ फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूं यहां पर, अवकलन के फॉर्मूले। तो पहला फॉर्मूला है यहां पे कि यदि आप कोई कॉन्स्टेंट लेते हो, कॉन्स्टेंट कोई भी कॉन्स्टेंट ले रहे हो और उसका डिफ्रेंसिएशन कर रहे हो, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, जीरो आएगी। क्या आएगी, जीरो आएगी। इसी तरीके से डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स का मतलब है आगे जो यहां पर फंक्शन आएगा उसका एक्स के रेस्पेक्ट में हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, इसका मतलब यही तो होता है। तो यहां पर एक्स की पावर एन लिया, तो एक्स की पावर एन जो है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, यही तो होता है यहां पे। इसका डिफरेंशिएशन पावर पहले और पावर में से एक कम करना है, घात पहले और घात में से एक कम करना है। ठीक है, अब सेम इसी तरीके से कुछ फॉर्मूले हम और बना सकते हैं, जैसे डी वाई डी एक्स, यहां पर आ गया अंडर रूट एक्स। अब एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, तो अंडर रूट एक्स का यदि हम इस फॉर्मूले से डिफरेंशिएशन करें तो आंसर क्या आएगा वो देखना। तो यहां पर अंडर रूट एक्स है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर वन अपॉन टू, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है बच्चों वन अपॉन टू, सीधी सी बात यह है। जैसे यहां पर इस तरीके से आ जाता, अंडर रूट के अंदर थ्री आ जाता, इस जो चम्मच है यहां पर इसके अंदर थ्री आ जाता, तो फिर हम इसको किस तरीके से लिख सकते थे, इसका मतलब होता है एक्स की पावर वन अपॉन थ्री। ठीक है, और मान लीजिए कुछ इस तरीके से आ जाता कि यहां पर 100 आ गया, 100 आ गया, तो फिर इसको कैसे लिखे, एक्स की पावर वन अपॉन 100। ठीक है, तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। कहीं आपको ऐसे लगे कि सर यदि ऐसा होता तो एक्स यहां पर मान लीजिए आ गया, किसी का नाम आ गया, मान लीजिए जैसे आ गया विकास आ गया इधर चम्मच में, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि एक्स की पावर वन अपॉन विकास कर दोगे आप। ये सिर्फ संख्याओं के लिए होता है, किसी व्यक्ति के नाम के लिए नहीं होता है, हिंदी नहीं चल रही इधर। ठीक है, तो ये ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको। ओके, तो यहां पर जो चम्मच में है, चम्मच में नहीं है, इसका मतलब पावर में कितना, वन अपॉन टू, और इधर जो है चम्मच में आ गया थ्री, तो पावर में वन अपॉन थ्री। ठीक है, तो इसका हम क्या कर रहे थे, डिफरेंशिएशन कर रहे थे, क्योंकि हमारे को डायरेक्ट इसका फॉर्मूला याद करना है। तो यहां पर देख सकते हो आप एन की जगह क्या है, वन अपॉन टू है, तो पावर पहले और इसका डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स का यदि हम डिफरेंशिएशन करते हैं, अंडर रूट एक्स का यदि हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो पावर पहले और पावर में से एक कम करोगे तो माइनस वन अपॉन टू बचेगा। अब माइनस की पावर को प्लस में बदलने के लिए नीचे लेके जाएंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर वन अपॉन टू, और वन अपॉन टू को वापस क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में लिख सकते हैं। इसका मतलब यहां से जो रिजल्ट आया वो क्या आया,
कि अंडर रूट का जो डिफरेंसेशन होता है वो क्या होता है, 1/2 अंडर रूट। आपको डायरेक्ट इसमें याद रखना है कि जो अंडर रूट है उसका डिफरेंसेशन क्या होता है बच्चों, 1/2 अंडर रूट। ओके, अब अंडर रूट के अंदर कुछ भी हो सकता है, लेकिन पहले मैं अंडर रूट की बात कर रहा हूं, अंदर वाले की बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे अंदर यहाँ पे सिर्फ x है, तो x का तो 1 होता है, x 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर अंडर रूट का डिफरेंसिएशन आपको रट के रखना है, क्या होता है 1/2 अंडर रूट। ओके, आगे यदि इसी तरीके से हम फॉर्मूले की बात करें, जैसे मान लीजिए कहीं ना कहीं ऐसे आ गया 1/x आ गया, क्या आ गया 1/x आ गया, तो फिर इसका डिफरेंसिएशन आपको याद रखना पड़ेगा। इसका डिफरेंसिएशन इसी सूत्र से कर सकते हैं, कौन से फॉर्मूले से, x की पावर n वाले फॉर्मूले से हम इसका डिफरेंसिएशन कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर इसका डिफरेंसिएशन कैसे करोगे, x की पावर -1, क्योंकि 1/x है, यहां पे 1 पावर है, ऊपर आएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो यहां पर n की वैल्यू क्या होगी, -1। तो यदि आप इसका डिफरेंसिएशन करते हो फॉर्मूले के हिसाब से, तो वही पावर पहले और पावर में से एक कम करोगे, तो -1 में से एक कम किया तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब सेम इसी तरीके से जैसे हमने ऊपर किया था कि ये माइनस की पावर है, तो इसको प्लस में बदलने के लिए नीचे लेकर भी जाना पड़ेगा, तो -1/x² हो गया। तो 1/x का जो डिफरेंसिएशन होता है बच्चों वो क्या होता है, -1/x². ओके, अब यहां पर x की जगह कुछ भी हो सकता है उससे मतलब नहीं है, लेकिन जब भी आप 1/ का करो, 1/ का डिफरेंसिएशन करो, तो उसका होता है -1/x², x की जगह कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो 1/x का डिफरेंसिएशन क्या हो गया, 1/x². आगे इसमें बात करें, यदि मान लीजिए a की पावर x है, a की पावर x, तो a की पावर x का डिफरेंसिएशन क्या होगा, a की पावर x का डिफरेंसिएशन होता है a की पावर x इनटू log x, a की पावर x log x होता है यहां पे, और x की वैल्यू आप जानते हो कि x की वैल्यू हमेशा यहां पर क्या होगी, 0 से ज्यादा होगी। x की वैल्यू हमेशा क्या होगी यहां पर, 0 से ज्यादा। आगे हम बात करें इसमें, तो यदि log x आ जाए, log x, तो log x का जो डिफरेंसिएशन होता है आप जानते हो 1/x होता है, ये सारी की सारी चीजें फिजिक्स में भी काम में आती है, तो log x का जो डिफरेंसिएशन होता है वो क्या होता है, 1/x होता है। ठीक है, अब ये शायद फॉर्मूला आपको नहीं पता हो जो मैं बता रहा हूं, कि यदि आपको मोड x का डिफरेंसिएशन करना हो, क्या करना, मोड x का डिफरेंसिएशन करना हो, तो इसका आंसर क्या होगा, मोड x अपॉन x होगा। ठीक है, मोड x अपॉन x होगा, जहां पर आप ऐसे बोल सकते हो कि x नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यदि यहां पर x इक्वल टू 0 हो गया तो 0/0 रूप बनेगा, जो कि अनिर्धारित रूप है। ठीक है, तो मोड x का डिफरेंसिएशन क्या होता है, मोड x अपॉन x होता है। नेक्स्ट इसमें sin x की बात करें, तो sin x का डिफरेंसिएशन क्या होता है, cos x होता है। अगला इसमें cos x का डिफरेंसिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, फिर यदि हम बात करें tan x की, तो tan x का डिफरेंसिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। फिर cot x, और cot x का डिफरेंसिएशन क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x। ठीक है, फिर cot के बाद में क्या आता है, sec आता है, तो sec का डिफरेंसिएशन क्या होता है बच्चों, sec x tan x होता है। ये सिंपल सी बातें हैं सारी की सारी, sec x का डिफरेंसिएशन क्या होता है, sec x tan x होता है। ठीक है, फिर यदि हम बात करें cosec x की, किसकी बात करें, cosec x की, तो ये होता है माइनस cosec x cot x, माइनस cosec x cot x। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आगे फॉर्मूले लें, तो यदि आप sin इनवर्स x का डिफरेंसिएशन करते हो, साइन एक्स का तो डिफरेंसिएशन हमने पढ़ लिया, साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स होता है, लेकिन मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स आ गया, तो इसका क्या होता है, 1/√1 - x², क्या होता है, 1/√1 - x². फिर मान लीजिए यहां पर कॉस इनवर्स आ जाए, क्या आ जाए, कॉस इनवर्स, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, -1/√1 - x². ठीक है, नेक्स्ट यदि आपको टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंसिएशन करना हो, तो इसका आंसर होता है 1/1 + x². tan इनवर्स x का डिफरेंसिएशन क्या होता है, 1/1 + x². नेक्स्ट dy/dx, tan इनवर्स के बाद में हम क्या लिख सकते हैं, cot इनवर्स ले सकते हैं, तो cot इनवर्स का क्या होगा, यहां पर आप देख सकते हो कि sin इनवर्स का क्या था, 1/√1 - x², तो फिर cos इनवर्स का क्या हुआ, सिर्फ माइनस ही तो लगाया आपने, और क्या क्या है यहां पे,
तो इसी तरीके से टेन इनवर्स का क्या है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो कॉट इनवर्स में सिर्फ माइनस लग जाएगा, ठीक है, माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट इसमें क्या आएगा, कॉट के बाद में हम क्या ले सकते हैं, सेक इनवर्स ले सकते हैं, सेक इनवर्स एक्स, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। और यहां पर ये मोड एक्स है, इधर मोड एक्स प्लस में आंसर आएगा इसका, हमेशा इसमें आएगा प्लस में आएगा, ठीक है। और फिर यहां पर आगे जो फॉर्मूला हम ले सकते हैं सेक इनवर्स के बाद में, कोसेक इनवर्स, और कोसेक इनवर्स का होता है माइनस वन अपॉन अंडर रूट, सॉरी मोड एक्स अंडर रूट के अंदर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। इन दोनों में किसका अंतर है, सिर्फ माइनस का अंतर है भाई, सेक इनवर्स का प्लस में होता है, कोसेक इनवर्स का माइनस में होता है। इसी तरीके से साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में आप देख सकते हो, और सेम इसी तरीके से टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स में देख सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं अवकलन के जो कि आपको याद रखने हैं। और भी फॉर्मूले इसमें बन जाएंगे, अब कुछ परमे पढ़ते हैं हम इसमें जो है, मानक परमेय पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड थ्योरम पढ़ते हैं इसमें। तो फर्स्ट आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए के एफ एक्स कोई फंक्शन है, के यहां पर कांस्टेंट है, के क्या यहां पर कांस्टेंट है, और इसका यदि आपको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, भाई एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो फिर इसके पहले क्या लगाना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स लगाना पड़ेगा। ओके, तो ये याद रख लेना कि अवकलन में डिफरेंशिएशन में ये जो कांस्टेंट है आप इसको इसके बाहर ले सकते हैं, यहां पर ये बाहर आ जाता है, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, और अंदर सिर्फ क्या रह जाएगा, एफ एक्स रह जाएगा, और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एफ डैश एक्स होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहां से एक ही बात समझ में आती है, क्या समझ में आती है, कि ये जो कॉन्स्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा ये सीधा सीधा, ठीक है, यहां पर देख सकते हो के बाहर आ गया। दूसरा इसमें इस तरीके से समझ सकते हो कि यदि दो या दो से अधिक फंक्शन जिनके बीच में प्लस माइनस का साइन है, दो या दो से अधिक फंक्शन है जिसके बीच में प्लस माइनस का साइन है, तो फिर आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो याद रख लेना, प्लस माइनस में डिफरेंशिएशन अलग अलग कर सकते हैं, कहने का मतलब एफ एक्स के अलग से लगा सकते हो और जी एक्स के हम अलग से लगा सकते हैं, ठीक है बच्चों, ये अलग अलग कर सकते हैं। ये थ्योरम ये बोलती है सेकंड नंबर की जो है, कि यदि प्लस माइनस का चिन्ह है बीच में, दो या दो से अधिक फंक्शन है मान लीजिए, तो और बीच में प्लस माइनस का चिन्ह है, तो आप अलग अलग कर सकते हो। तीसरा पॉइंट इसमें हम ले रहे हैं कि डी वाई डी एक्स किसका अवकलन करना है, यहां पर प्लस माइनस ले लिया तो हो सकता है बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ जाए, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स है, एफ एक्स इंटू जी एक्स है, क्या है, एफ एक्स इंटू जी एक्स है। तो यहां पर फिर आप फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला लगाओगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट ऐसे ही छोड़ोगे इसमें और सेकेंड का डिफरेंशिएशन करोगे, सेकेंड का डिफरेंशिएशन करोगे, फिर बीच में किसका चिन्ह आएगा, प्लस का, फिर अब की बार सेकेंड को ऐसे ही छोड़ना है और फर्स्ट का क्या करना है बच्चों, डिफरेंशिएशन करना है, फर्स्ट का क्या करना है, डिफरेंशिएशन, ठीक है। आप इसमें फर्स्ट और सेकंड किसी को भी मान सकते हो, कोई फिक्स नहीं है कि फर्स्ट किसको मानना है, सेकंड किसको मानना है, जो इच्छा उसको मानो आप, फर्स्ट और सेकंड किसी को भी मान सकते हो, ठीक है। अब यहां पर आपने देखा कि दो फंक्शन के बीच में प्लस माइनस का साइन हमने लिया, फिर किसका लिया, मल्टीप्लाई का, तो डिवाइड का भी तो हो सकता है, जैसे मान लीजिए ऐसे आ गया एफ एक्स अपॉन जी एक्स, इस तरीके से आ गया एफ एक्स अपॉन जी एक्स आ गया, तो फिर इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन ऐसे करते हैं, जो नीचे है इसका तो स्क्वायर करते हैं, हर का स्क्वायर, हर ऐसे की ऐसे, नीचे वाला ऐसे की ऐसे, और अंश का डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस इसमें माइनस आता है बीच में, इस तरीके से माइनस थोड़ी होता है, ये होता है माइनस, तो ये माइनस, फिर अंश ऐसे की ऐसे, और किसका करेंगे, हर का डिफरेंशिएशन करेंगे,
मतलब डी बाई डी एक्स के आगे क्या आएगा, जी एक्स आएगा, ठीक है। तो ये कुछ मानक प्रमेय है जो आपको ध्यान रखनी है, यानी कि प्लस माइनस में चाहे कितने फंक्शन हो, प्लस माइनस में आप डिफरेंसेशन सबका अलग अलग करके उनको जोड़ सकते हो, उनको घटा सकते हो। यदि मल्टीप्लाई में है, दो या दो से अधिक फंक्शन, दो ही नहीं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, तो उसमें कैसे करोगे, एक को छोड़ देना है, दूसरे का करना है, ठीक है, फिर प्लस दूसरे को छोड़ देना है, फर्स्ट का करना है, इस तरीके से करोगे। जैसे तीन फंक्शन आ गए, मान लीजिए इसमें एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स, इस तरीके से आ गया, और फिर आप इसका क्या करो, डिफरेंशिएशन करो, तो कैसे करोगे, इसी सूत्र से करोगे, जिसका करना है उसको ले लो, बाकी को छोड़ दो। जैसे इन दोनों को छोड़ रहे हैं, एफ एक्स और जी एक्स को छोड़ दिया, और किसका डिफरेंशिएशन कर दिया, एच एक्स का, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, एच डैश एक्स होता है, ठीक है। इसी तरीके से अब हमने इसका कर दिया, तो फिर इसका दोबारा से थोड़ी करोगे, फिर हमने जैसे मान लीजिए इन दोनों को छोड़ दिया आपकी बात, तो एफ एक्स इंटू एच एक्स, तो फिर जी एक्स का क्या हो जाएगा, जी डैश एक्स हो जाएगा, फिर क्या लगाओगे, प्लस लगाओगे। अब दो का कर लिया हमने, एच एक्स का भी कर दिया और जी एक्स का भी कर दिया, तो क्या बच गया, एफ एक्स बच गया। तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, बाकी दो को छोड़ करके, तो जी एक्स इंटू एच एक्स ऐसे के ऐसे, और एफ का क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम ये फॉर्मूला काम में ले सकते हैं। अब जो आगे की बातें हैं वो क्वेश्चन से समझते हैं, ये जितने फॉर्मूले मैंने आपको बताए क्वेश्चन में किस तरीके से काम में लेते हैं वो समझना। बोर्ड क्लास में एक और तरीका है डिफरेंशिएशन करने का, एक और तरीका है, और वैसे आपको पता होगा कि यदि हम इस प्रश्नावली के नंबर की बात करें, तो यहां से एक 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, सिर्फ 6 नंबर का क्वेश्चन आता है यहां से, और जो पेपर का डी पार्ट होगा वहां पर मिलेगा। 6 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन आता है, और कौन से पार्ट में मिलेगा, डी पार्ट में मिलेगा, ठीक है। तो छोटे क्वेश्चन यहां निकालने से कोई मतलब वाली बात नहीं है, यहां पे जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन है वो निकालने की आवश्यकता होगी हमें, ठीक है। तो ये तरीका भी आपको आना चाहिए जो अभी मैं बता रहा हूं। क्यों आना चाहिए, क्योंकि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया छोटा और उसके नंबर है 6, तो 6 नंबर आपको छोटे आंसर में कौन देगा, फिर तो उसको थोड़ा बड़ा करके लिखना होता है, तो बड़ा करके लिखने के लिए ये तरीका आप काम में ले सकते हो जो अभी बता रहा हूं मैं। मान लीजिए आपके पास में कोई फंक्शन है y बराबर साइन एक्स स्क्वायर, ये छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके सामने ले रहा हूं, y इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर, और इसका अक्ष के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, अक्ष के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना हो, तो आप इसका इस तरीके से कर सकते हैं। इसमें देखो कि कितने फंक्शन है, फंक्शन गिनना है, तो हम देखें तो इसमें एक तो साइन का है और एक एक्स स्क्वायर का है, तो कितने फंक्शन है, दो फंक्शन है, और दोनों का कंपोजिट किया हुआ है, तो यहां पर हम ऐसे बोल सकते हैं कि वाई इक्वल्स टू साइन यू, इसको मैंने क्या बोल दिया, यू, यानी कि यू के बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन के दो पार्ट हो गए, कितने पार्ट हो गए, दो पार्ट हो गए, तो इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना है और इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, तो याद रख लेना, इसका डिफरेंशिएशन आगे जो वेरिएबल है उसके रेस्पेक्ट में करना है। तो यहां पर वेरिएबल कौन है, अब यू है, और यू में वेरिएबल कौन है, एक्स है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन हम करेंगे वो यू के रेस्पेक्ट में करेंगे, और जिसके रेस्पेक्ट में हम करते हैं वो हमेशा नीचे जाता है, कहां जाता है, नीचे। तो यहां पर इसका अवकलन करें, डीवाई बाई डी यू, डी यू आएगा ना नीचे, डीवाई बाई डी यू, और साइन का क्या होता है, अभी फॉर्मूला बताया था मैंने, कॉस यू होता है, ठीक है। तो ये इसका हो गया डिफरेंशिएशन। अब यू का करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, अक्ष के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो ये हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, हम क्या बोल सकते हैं, 2x बोल सकते हैं। हमारे को डीवाई बाई डी यू या डी यू अपॉन डी एक्स नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चाहिए था। तो वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता, डीवाई बाई डी एक्स ही तो होता, तो हमारे को कुल मिला के क्या चाहिए, डीवाई बाई डी एक्स चाहिए। तो यहां पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो dy बाई डी एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, dy बाई डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, इस तरीके से लिख सकते हैं।
अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना, क्योंकि du से du आप यहाँ पर हटा सकते हो, काटना नहीं है, ऐसे कहीं काट करके बराबर कर दो आप, काटना नहीं है, du से du हट गया ऐसे समझ लीजिए। तो क्या बच गया? dy बाई dx बच गया, ठीक है। अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो dy बाई du क्या है बच्चों? cos u है। क्या है? cos u। और du अपॉन dx क्या है? 2x है। तो 2x, अब 2x बाद में अच्छा थोड़ी लग रहा है, ये अच्छा नहीं लगता ना बाद में, तो इसको पहले लिखेंगे। क्योंकि जैसे मान लीजिए ऐसे होता, साइन एक्स है, 2 sin x है, 2 sin x, तो कहीं पर आप ऐसे देखा है इसको sin x2, क्या मतलब है इसका, क्या दिख रहा है ये आपको sin x2। और कहीं तो ज्यादा दिमाग लगा लेंगे इसमें, इसको ऐसे लिख देते हैं साइन, ऐसा यदि कहीं कहीं पर दिख रहा है आपको sin x2 दिख रहा है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं भाई, हाँ ये गलती हो गई, सामने वाले से गलती हो गई, तो इसको हम sin 2x कर देते हैं, तो ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना इसमें। ओके, तो ये 2x यहां पर अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको इधर लगा देते हैं इस तरीके से, ठीक है बच्चों। और अब इसमें u की वैल्यू वापस पुट करेंगे, क्योंकि जो हम मन से मानते हैं किसी भी क्वेश्चन में उसको लास्ट में हटाना पड़ता है, तो यहां पर हमने u मन से माना था क्वेश्चन में, तो फिर u को हटाना पड़ेगा, तो यहां पर u की वैल्यू वापस पुट करें तो 2x cos x² इस तरीके से, ठीक है। तो इसका आंसर ये आएगा, इसका डिफरेंसेस नहीं होगा dy बाई dx, ये थोड़ा बड़ा तरीका है। अब यहां पर छोटा तरीका कैसे लगाओगे? तो छोटा तरीका ऐसे लगाते हैं, और छोटे तरीके में तो आंसर एक लाइन में हो सकता है, ठीक है। किस तरीके से? हमें क्या करना है यहां पे, y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंसेशन करना है, y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंसेशन करना है। तो इसको तो क्या लिखोगे भाई, x के रेस्पेक्ट में करना है, तो dy बाई dx हो गया, तो सीधा सीधा क्या हो गया, dy बाई dx हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो यहां पर कितने फंक्शन है? दो फंक्शन है, एक तरीके से दोनों का कंपोजिट है, तो सबसे बाहर है वहां से नंबर लगाते हैं। सबसे बाहर कौन सा फंक्शन है? तो सबसे बाहर यहां पर कौन है? साइन है। फिर कौन है? एक्स स्क्वायर है। तो पहले हम किसका करेंगे? साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, और बाद में किसका करेंगे? एक्स स्क्वायर का करेंगे। ओके, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस। क्या होता है? कॉस। आगे वाला सेम रहेगा इसमें, साइन एक्स स्क्वायर है, तो साइन का क्या कर दिया? कॉस कर दिया। फिर आगे वाले का भी तो करना होता है डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है? एक्स की पावर एन के फॉर्मूले से 2x, क्या होता है? 2x होता है। तो यहां पर 2x से इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 2x, तो इसका डायरेक्ट आंसर हमारे को पता चल गया, ठीक है। और अभी वो दूसरा तरीका, बड़ा तरीका मैंने आपको बताया, वो लगाओगे तो भी यही आंसर आएगा, 2x cos x² ओके। और भी क्वेश्चन है हमारे पास में जिसको आप समझ सकते हो बड़े वाले तरीके से, जैसे अब की बार क्वेश्चन में ये ले रहा हूं कि y इक्वल्स टू अंडर रूट में है कोट एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू अंडर रूट में क्या है? कोट एक्स स्क्वायर है। तो फिर इसको बड़े वाले तरीके से यदि सॉल्व करना हो, x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना हो, तो कैसे करोगे? बड़े वाले तरीके से करेंगे ना, लेकिन आजकल के जमाने में तो शॉर्टकट ज्यादा अपनाते हैं सभी लोग, शॉर्टकट पसंद ज्यादा करते हैं, किसी भी मैटर में देख लो आप, शॉर्टकट ज्यादा पसंद आएगा आपको, ठीक है ना, मेरी भावनाओं का आप समझ रहे हैं शायद मैं क्या बोल रहा हूं। लेकिन यहां पर शॉर्टकट से कई बार काम नहीं चलता है ना, क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, और मान लीजिए ये क्वेश्चन दे दे रहा आपसे, बोले इसका डिफरेंशिएशन करो, और 6 नंबर आपको लेने हैं, तो किस तरीके से लोगे? फिर डायरेक्ट करके ले लोगे, शायद आपको नहीं मिले, तो फिर बड़ा तरीका लगाना पड़ेगा। तो बड़ा तरीका क्या होगा यहाँ पे? बड़ा तरीका लगाने के लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कितने फंक्शन है। तो कितने फंक्शन है? सबसे बाहर तो अंडर रूट का, फिर अंदर जाओगे तो कोट है, और फिर और अंदर जाओगे तो एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब कितने फंक्शन है बच्चों? 3 फंक्शन है ना, तो भेद तीनों को मानना पड़ेगा अलग अलग। जैसे वाई इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर जो है उसको पूरे को मान लो यू, यू मान लिया, क्या मान लिया? यू मान लिया इसको। अब यू इक्वल्स टू आपने क्या माना भाई? यू किसको माना है? कोट एक्स स्क्वायर को, कोट एक्स स्क्वायर को, और जो एक्स स्क्वायर है उसको मैंने बोल दिया वी, तो वी बराबर क्या हो गया? एक्स स्क्वायर हो गया ना फिर। अरे सबको अलग अलग मानना है, कुल मिला के बात यह है भाई, यहां पर जो अंडर रूट के अंदर था इसको हमने क्या बोला? यू बोला। यू किसको बोला? कोट एक्स स्क्वायर को, और एक्स स्क्वायर को क्या बोला? वी बोला। इस तरीके से हो सकता नहीं है। अब हमारे को यहां पर सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है? अलग अलग डिफरेंशिएशन करना है। जैसे वाई का किसके रेस्पेक्ट में करोगे? यू के रेस्पेक्ट में करोगे, और यू का वी के रेस्पेक्ट में, और वी का एक्स के रेस्पेक्ट में आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है।
तो इसका यू के रेस्पेक्ट में करेंगे हम, तो वाई का क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी यू, डी वाई बाई डी यू हो गया। अब यहाँ पर अंडर रूट है, और अंडर रूट का डिफरेंशिएशन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको रटवाया था, रटवाया था कि नहीं रटवाया, अंडर रूट का क्या होता है, वन अपॉन टू अंडर रूट, टू अंडर रूट, वन अपॉन टू अंडर रूट, ठीक है। ऐसे इसका करेंगे यू का किसके रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, वी के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डी यू अपॉन डी वी, क्या हो जाएगा, डी यू अपॉन डी वी। और कोट का क्या होता है फॉर्मूला, कोट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो एक्स की जगह यहां पर कौन है, वी है, ठीक है। और अब हम किसका करेंगे, वी का करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, अक्स के रेस्पेक्ट में, तो डी वी अपॉन डी एक्स, और एक्स स्क्वायर का क्या होता है बच्चों, टू एक्स होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जितने भी फंक्शन हमारे पास में थे उन सब का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दिया। अब हमारे को क्या चाहिए था, हमारे को तो चाहिए था डीवाई बाई डी एक्स, वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में क्या चाहिए, डिफरेंशिएशन चाहिए। तो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया, सेम उसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कैसे भाई, हमारे को क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, ठीक है। और डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू अपॉन डी वी इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, इस तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि देख सकते हो डी यू से डी यू गया और डी वी से डी वी गया, तो क्या बच गया, डी वाई बाई डी एक्स ही तो बच गया। अब सबकी वैल्यू यहां पर पुट कर दो, तो वन अपॉन टू अंडर रूट यू, इसकी वैल्यू ये तो है, वन अपॉन टू अंडर रूट यू, और यहां पर हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर वी, और फिर इनटू क्या आएगा, आगे टू एक्स आएगा। अब जो आप मन से मानते हो उसको लास्ट में हटाना भी तो पड़ता है, तो यू की जगह यू की वैल्यू लिखनी है और वी की जगह वी की वैल्यू लिखनी है इसमें। तो यहां पर देखो हम यू की जगह क्या लिख सकते हैं, U क्या है, U इक्वल्स टू कोट V, तो V को भी तो हटाना पड़ेगा, और V क्या है, एक्स स्क्वायर, यानी कि U की जगह आप क्या लिखोगे, कोट एक्स स्क्वायर, तो वन अपॉन टू अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर, कोट एक्स स्क्वायर, इस तरीके से, और यहां पर हो जाएगा इनटू माइनस कॉसेक स्क्वायर V, और V की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है। अभी मैंने बताया था कि ये 2x बाद में अच्छा थोड़ी लगता है, तो इसको पहले लगा देते हैं इस तरीके से, यहां पर आ जाएगा 2x, और 2 से 2 कट गया इधर, तो फिर इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आएगा माइनस एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो जो बड़ा तरीका है उस वाले तरीके से इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा, ओके। अब ये इक्वेशन यदि हमारे को छोटे वाले तरीके से सॉल्व करना हो, इसका डिफरेंशिएशन करना हो, तो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे और कैसे करेंगे देख लो। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने के लिए सबसे पहले हमारे को फंक्शन की गिनती लगानी पड़ती है, काउंट करो यहां पर कितने फंक्शन है, तीन फंक्शन है, एक अंडर रूट का, फिर कोट का, और फिर एक्स स्क्वायर का। सबसे जो बाहर वहां से नंबर लगाते हैं, सबसे बाहर वाले से, तो सबसे बाहर कौन है, यहाँ पे अंडर रूट का फंक्शन है, तो सबसे पहले हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अंडर रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे, ओके। फिर थोड़ा सा अंदर चलते हैं, बाहर वाले से करते चलना हमारे को, ऐसे नहीं डायरेक्ट अंदर घुस जाओगे, डायरेक्ट अंदर घुसने से कोई मतलब वाली बात नहीं, बाहर से नंबर लगाएंगे ना तभी कोई काम होगा, ओके। तो सबसे बाहर कौन है, अंडर रूट है वे, तो अंडर रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर अंदर कोट का करेंगे, और फिर एक्स स्क्वायर करेंगे, कुल मिला के करते रहेंगे इसमें। तो डिफरेंशिएशन इसका क्या होगा, देखो देखे, वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा, क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा, ओके। अंडर रूट का क्या होता है, अभी बताया था मैंने, अंडर रूट का होता है वन अपॉन टू अंडर रूट, अंडर रूट के अंदर क्या, उससे मतलब नहीं है, पहले हम सिर्फ बाहर वाले को देखेंगे, अंदर बाद में देखना है, ओके। अंडर रूट का होता है वन अपॉन टू अंडर रूट, अंडर रूट के अंदर क्या है, कोई मतलब नहीं, लेकिन अब मतलब है, क्योंकि अंडर रूट को देख लिया तो फिर अंदर घुसना पड़ेगा कि नहीं घुसना पड़ेगा, तो चलो घुसते हैं। कोट अंदर क्या है, कोट है, और कोट का क्या होता है, फिर कोट का, कोट के अंदर नहीं देखना है अभी, सिर्फ कोट को देखना है। कोट का क्या होता है बच्चों, माइनस कोसेक स्क्वायर टू एक्स, सॉरी ये तो एक्स स्क्वायर ही, यहाँ पे कोट का हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ओके। एक्स की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब कोट के अंदर चले तो पता चला कि एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, टू एक्स होता है। सबसे पहले बार वाले का डिफरेंशिएशन इनटू उससे अंदर वाले का, फिर इनटू सबसे अंदर वाले का, ओके। और यदि इसको हम थोड़ा तरीके से लिखें,
तो ये 2 से 2 कट गया और आंसर आ गया माइनस एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में आ जाएगा बच्चों कॉट एक्स स्क्वायर। ओके तो यहां पर हमने ये शॉर्ट तरीका लगा दिया, छोटा तरीका यहां पर लगाया है। ओके तो इस तरीके से हम छोटा तरीका और जो बड़ा तरीका है दोनों मेथड हम काम में ले सकते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इसमें जो आपकी बुक में दे रखे हैं, आरबीएससी की बुक में जो दे रखे हैं वो क्वेश्चन थोड़े से और सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्टली जो हम कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट है, एग्जाम्पल फर्स्ट का सेकंड जो क्वेश्चन है उसकी बात करूं तो यहां पर वाई इक्वल्स टू दे रखा है, वाई इक्वल्स टू टेन ब्रैकेट में है लॉग अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो है बाहर क्या टेन और ब्रैकेट में क्या लॉग अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका क्या करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में इसका बच्चों डिफरेंशिएशन करना है और ज्यादा कुछ नहीं करना है इसका, कहीं और कुछ करने लग जाओ अभी इसका डिफरेंशिएशन ही करना है हमें। ओके तो डायरेक्ट करेंगे, हम सब डायरेक्ट करना ज्यादा पसंद करते हैं, लॉन्ग तरीका लगाओगे ज्यादा टाइम लगेगा है ना, वो लॉन्ग तरीका हमारे को तब लगाना है जब ज्यादा नंबर मिल रहे हो, और यदि हमारे पास में समय कम है तो फिर छोटा तरीका ही लगाते हैं हम। कहीं पर भी देख लो, किसी भी जगह पर देख लो, जब हमारे पास में समय नहीं होता है तो उस कंडीशन में हम शॉर्ट तरीका अपनाते हैं। कौन सा तरीका? शॉर्ट तरीका। तो यहां पर शॉर्ट तरीका ही हम अपनाते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, कितने फंक्शन है वो गिनते हैं भाई, कितने फंक्शन है कुल मिला के। तो सबसे बाहर कौन है, टेन है, तो एक तो टेन का हो गया, फिर अंदर चलोगे तो लॉग है लॉग का हो गया, फिर और अंदर चलोगे तो अंडर रूट है, फिर और अंदर चलोगे तो वन प्लस एक्स स्क्वायर है भाई, कितना अंदर चलोगे, अभी और अंदर चलने के लिए जगह नहीं बची है। ठीक है, तो यहां पर टेन का करेंगे, लॉग का करेंगे, अंडर रूट का करेंगे, वन प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहां पर एक्स के रेस्पेक्ट में करें तो वाई का क्या होगा बच्चों, डीवाई बाई डीएक्स होगा। ओके अब किसका करना है, टेन का, इसको आप एक्स समझे, क्या समझे, ये एक्स है थोड़ी देर के लिए, एक्स समझो इसको, टेन एक्स है और टेन का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह आ जाएगा लॉग अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। ओके तो ये हो गया टेन का, फिर क्या करते हैं इनटू, अब किसका करेंगे बच्चों, लॉग का, और लॉग का क्या होता है डिफरेंशिएशन, वन अपॉन क्या होता है, वन अपॉन लॉग के आगे जो भी है उसको नीचे भेज दो, एक के नीचे भेज दो, वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। ओके तो सबसे पहले हमने किसका किया, टेन का किया, फिर किसका कर दिया लोग का कर दिया, अब किसका करेंगे अंडर रूट का करेंगे, अंडर रूट है ना यहाँ पे, तो अंडर रूट का क्या होता है वन अपॉन टू अंडर रूट, ये तो होता है वन अपॉन टू अंडर रूट, अंडर रूट के अंदर कुछ भी उससे मतलब नहीं है, अभी अंदर बाद में जाना है, पहले अंडर रूट का करोगे वन अपॉन टू अंडर रूट, और अंदर चले तो पता चला कि वन प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसका भी तो हमारे को फिर करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है इसका। वन का तो क्या होगा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है जीरो, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा टू एक्स हो जाएगा। ओके यहाँ पर टू से टू हटा सकते हो, और वैसे भी जब कोई कटने वाली चीज होती है ना तो आप इसको तुरंत काटते हो, वैसे काटने में क्या ज्यादा मजा आता है थोड़ा सा। ओके अब इसको थोड़ा सॉल्व करके लिख दो, तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो बताने की आवश्यकता थोड़ी है भाई, एक को एक से गुणा करते हैं तो एक आता है, फिर भी बता देता हूँ भाई, वन इंटू वन कितना होता है वन होता है। ठीक है, कोई मेरे जैसे बैठे होंगे तो पता चलेगा वन इंटू वन नहीं पता है, एक्स से मल्टीप्लाई कर दो इसको, एक्स सेक स्क्वायर लॉग अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और नीचे है अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट को अंडर रूट से मल्टीप्लाई करें और अंदर वाला सेम हो तो फिर अंडर रूट हट ही जाता है ना, अरे अंडर रूट टू है, और फिर एक बार और अंडर रूट टू है, तो फिर एक जैसा है तो हम डायरेक्टली क्या बोल देते हैं भाई टू ही आएगा, तो यहां पर नीचे क्या बचेगा वन प्लस एक्स स्क्वायर। ओके तो इस तरीके से हमने डायरेक्टली इसका क्या कर दिया बच्चों, डिफरेंशिएशन कर दिया। और भी हम इस पे क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल बता रहा हूं अभी, वैसे याद रख लेना ऐसे क्वेश्चन कभी भी बोर्ड में नहीं पूछे गए हैं, बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपको कल बताऊंगा कि किस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, क्योंकि यहां से 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है
कितने नंबर का? 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो फिर 6 नंबर के हिसाब से कल बात करेंगे हम, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, कुछ बातें हम कर भी तो करेंगे फिर, है कि नहीं? तो यहाँ पे उदाहरण सेकंड में ले रहा हूं, और उदाहरण सेकंड का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है? आप भी सॉल्व कर सकते हो इसको। यहाँ पर y इक्वल्स टू आपको गिवन है cos x क्यूब, फिर ये डॉट लगा रखा है, इसका मतलब है यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, और फिर साइन स्क्वायर और ब्रैकेट में x की पावर 5 है, ओके? अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे अभी हमने सबको सॉल्व किया। अरे भाई, एक ही तरीका होता है ना किसी भी मेथड का, मतलब सॉरी, मेथड का तो मेथड और तरीका तो सेम ही बात है ना, मतलब कोई भी कार्य करने का एक ही तरीका होता है, और उसी तरीकों को हम भिन्न भिन्न तरीके से काम में ले सकते हैं, है कि नहीं? तो वही तरीका यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ। डायरेक्टली हमारे को डिफरेंशिएशन करना हो, हमारे पास में समय कम है या कम होता है, ऑप्शन वाला क्वेश्चन हमारे सामने होता है, तो फिर वहां पर आप यू और वी का तरीका लगाओगे तो शायद आंसर आएगा ही नहीं आपसे। तो फिर यहाँ पर डायरेक्टली तरीका हम ये लगा सकते हैं कि सबसे पहले तो आप फंक्शन को काउंट करो कि कितने फंक्शन है इसमें। तो देखो, कोस है, ठीक है, एक्स क्यूब है, ये अलग से है, इसमें 2 है, फिर ये अलग ही आ गया, यहाँ पर एक तो स्क्वायर का है, एक साइन का है, और फिर एक्स की पावर 5 का है, ये सेकेंड आ गया। दो फंक्शन है और दोनों में अलग अलग और अंदर है कुछ, दो है, अब की बार 2 मिले हमारे को यहाँ पे, ठीक है? तो अच्छी बात है ना, 2 है हमारे पास में, तो इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूं और इसको सेकेंड मान लेता हूं। तो y का होगा dy by dx, और फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला यदि हम यहाँ पे लगाएं डिफरेंशिएशन का, तो वो क्या होता है, फर्स्ट को छोड़ दो, छोड़ दिया, वैसे छोड़ने में बड़ा दुख हो रहा होगा क्योंकि सब ये चाहते हैं कि किसी को भी नहीं छोड़े, जहां से फायदा मिल रहा है वहां से उठाएं, लेकिन छोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ी मजबूरी है, छोड़ना पड़ेगा बाद में। यदि आप इसको नहीं छोड़ोगे तो फिर इसको नहीं पकड़ सकते, ये अनिवार्य है, और वैसे आप जानते भी हो कि 2 को एक साथ नहीं पकड़ सकते, तो फर्स्ट वाले को ऐसे कैसे छोड़ दिया हमने, ओके? अब सेकंड वाले का नंबर है, तो सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स एक्स की पावर 5, इस तरीके से डी बाई डी एक्स लगाने का मतलब है भाई इसका हमारे को डिफरेंशिएशन करना है, फिर बीच में प्लस का चिन्ह। अब फर्स्ट वाले को छोड़ दिया, सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया, सेकंड वाले को कर दिया, और सेकंड वाले को छोड़ो क्योंकि अब यहां से कोई मतलब है नहीं, इसको काम में ले लिया ना, इसका कोई मतलब नहीं है, अब इसको काम में लेते हैं, ठीक है? तो इसका डी बाई डी एक्स कॉस एक्स क्यूब, फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड को काम में लिया, सेकंड को छोड़ दिया और फर्स्ट को काम में ले रहे हैं, और भी होता तो और को भी काम में ले लेते हम, ठीक है? डी वाई बाई डी एक्स। अब इसका आप डिफरेंशिएशन आसानी से कर सकते हो। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? पहले करोगे स्क्वायर का, फिर करोगे साइन का, और फिर एक्स की पावर 5 का। तो स्क्वायर का क्या होगा, जैसे एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 2x होता है ना, 2x पावर, पहले पावर में से 1 कम करते हो तो 2 साइन हो जाएगा इसका, 2 साइन, ठीक है? ये तो हो गया स्क्वायर का। फिर किसका करोगे बच्चों, साइन का, तो साइन का क्या होता है, कॉस एक्स की पावर 5, और फिर अंदर वाले का करोगे तो 5x की पावर 4, इस तरीके से। अब इसका हमने कर दिया तो इसको तो छोड़ दिया था पहले ही इनटू, अब इसका करेंगे तो पहले किसका करना पड़ेगा, कोस का, और कोस का क्या होता है, माइनस, यहां पर ये इनटू है तो माइनस साइन एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का क्या होगा, 3x2, एक्स क्यूब का क्या होगा इसमें, 3x2। अब इसको सॉल्व करके थोड़ा तरीके से लिख लोगे, तरीका जरूरी होता है भैया किसी भी मामले में। तो ये तो हो गया, यदि हम वैसे बात करें तो 5 2 9 10, तो 10 ठीक है, नंबर से लिख दो, या फिर यहाँ पे यदि आप देखो तो एक फॉर्मूला लग रहा है इन दोनों में, इन दोनों में फॉर इन तीनों में फॉर्मूला लग रहा है, 2 sin थीटा cos थीटा, आप इसको थीटा समझे थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर क्या है, 2 sin थीटा cos थीटा, और वो क्या होता है, sin 2 थीटा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5x की पावर 4, वो तो सेम है, फिर cos x क्यूब, यहाँ पे फॉर्मूला लगाया तो sin 2 थीटा 2x की पावर 5, ये आ जाएगा, ओके? आगे सॉल्व करोगे तो वहां पे कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा इसमें, तो फिर क्या लिखोगे, माइनस का 3x² sin² x की पावर 5,
और फिर साइन एक्स क्यूब, इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो पहले हम हमारे को क्या करना है, इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला लगाना है और उसके बाद में काउंटिंग करके सबसे बाहर जो है वहां से शुरू करना होता है, सबसे बाहर जो है वहां से शुरू करना होता है। तो इस तरीके से आज हमने डिफरेंशिएशन के बहुत से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, फॉर्मूले मैंने आपको याद करवाए हैं। आगे के क्वेश्चन हम अगले लेसन में मतलब कल सॉल्व करेंगे, तब तक आप इंतजार कीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा बढ़िया लगा हो, वैसे सभी बोलते हैं कि अच्छा लग रहा है तो लाइक करना है, शेयर करना है, ये कोई बात बताने की नहीं है, ठीक है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।